For more videos, please subscribe Technical Help and press the bell icon to get first notification of our technical videos. See something techie, see something helpful. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल हेल्प। दोस्तों, अगर आप भी अपने एंड्रॉइड फोन से काइन मास्टर ऐप की मदद से इस तरह का 3D बेल आइकन इंट्रो बनाना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो दोस्तों हमारे ये आज का वीडियो प्रेस रूस रख कर देखते रहिए। मैं आपको बताऊँ कैसे आप इसे अपने फोन से ही बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बेल आइकन इंट्रो पर एक और वीडियो बना रखी है पहले से, आप चाहें तो उसे भी जो है देख सकते हो। वो काफ़ी सिंपल सा जो है बेल आइकन इंट्रो था, मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अपने फोन से ही 3D बेल आइकन इंट्रो बना सकते हैं काइन मास्टर ऐप की मदद से। दोस्तों, अगर आपके फोन पर काइन मास्टर ऐप सपोर्ट नहीं करता या फिर उसमें वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करती है, दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, 100% आपको जो है वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने चैनल का इस तरह से जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद दोस्तों पिक आर्ट्स ओपन करना है, उसमें जाना है आपको ड्रॉ में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक साइज सिलेक्ट कर लेना है 800x1280 का। ये साइज आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है लेयर में जाने के बाद आपको जो है ये लेयर हाइड कर देनी है। लेयर हाइड करने के बाद आपको ऊपर से डन करना है और फिर जाना है एडिट इमेज में। एडिट इमेज में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है एड इमेज में जाने के बाद आपको अपने चैनल का जो है स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह का फ़ोन का PNG जो है सिलेक्ट कर लेना है और इसे इसमें अच्छी तरीके से जो है सेट कर देना है। तो दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आपको करना क्या है, इसे डन कर लेना है और उस फोटो को जो है सेव कर लेना है। तो इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ, सेट करने के बाद यहाँ से डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों इसको जो है सेव कर लेता हूँ। दोस्तों, इस फोटो को सेव करने के बाद आपको फिर से जाना है ड्रॉ में। फिर से ड्रॉ में जाने के बाद आपको इस बार फिर से एक जो है यहाँ से 851x315 का जो है साइज सिलेक्ट कर लेना है। तो ये साइज सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से लेयर को हाइड कर देना है। उसके बाद एडिट इमेज में जाना है। एडिट इमेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ड्रॉ में आने के बाद इस तरह का एक शेप ले लेना है। इस तरह का शेप लेने के बाद आप इसको इसमें ग्रे कलर दे देना है। ग्रे कलर देने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से जो है क्रिएट कर देना है। ये जो आपने शेप लिया था, इस शेप को जो है यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। इस साइज का जो है आपको क्रिएट कर लेना है। उसका टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद सब्सक्राइब लिख देना है। सब्सक्राइब लिखने के बाद आपको इसे जो है बिल्कुल इसके अच्छी तरीके से जो है इसमें फिट कर देना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छे से जो है सेट कर देना है। उसके बाद इसे जो है सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर से ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको फिर से वही वाला साइज सिलेक्ट करना है 800x1280 का। ये साइज सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से जो है लेयर को हाइड कर देना है। उसके बाद जाना है आपको एडिट इमेज में। एडिट इमेज में जाने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो जाने के बाद आपने जो अभी PNG तैयार किया था अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लेके, उसे जो ले लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो अभी हम लोगों ने सब्सक्राइब लिखा था उसे जो है यहाँ से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको इसे बिल्कुल सब्सक्राइब के ऊपर रख देना है ताकि आपका सब्सक्राइब जो है ना दिखे और यहाँ पर जो है सब्सक्राइब दिखे। तो इस तरह के जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसे जो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने चैनल के नाम के नीचे जो है इस तरह से सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, फिर से ऐड ऑब्जेक्ट में जाना है। ऐड ऑब्जेक्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको ये बेल वाली जो है बटन ले लेनी है। बेल लेने के बाद आपको जो है इसे भी अपने सब्सक्राइब बटन के बगल में जो है रख देना है। तो इसे जो है यहाँ पर सब्सक्राइब बटन के बगल में रख देता हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको जो है अपनी फोटो में जो है एंगल दे देना है। दोस्तों, ये एंगल आपको -15 डिग्री से ज़्यादा नहीं देना है। यहाँ पर -15 डिग्री जो आपको दे देना है। यहाँ से डन कर लेना। डन करने के बाद आपको जो है फोटो सेव कर लेनी है। दोस्तों, हमारा पिकआर्ट्स का जो है सारा काम खत्म हो चुका है। अब चलिए चलते हैं काइन मास्टर ऐप की तरफ। तो काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ऐप को ओपन करने के बाद आपको प्लस के साइन पर क्लिक करना है। फिर जाना है एम्प्टी प्रोजेक्ट पर। एम्प्टी प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है मीडियम में। मीडियम जाने के बाद आप कोई भी जो है बैकग्राउंड वीडियो जो क्लिप होती हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लिप चाहिए तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको जो पहले नंबर का जो PNG आपने तैयार किया था उसे ले लेना है। जो सीधा वाला PNG था उसे ले लेना है। उसके बाद आपको जो है इसको यहाँ पर साइड में रख देना है। साइड में रखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, इसमें एक इन एनिमेशन दे देना है। तो इन एनिमेशन में टैप करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पर स्पिन क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्लॉकवाइज में जो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसमें स्पिन क्लॉकवाइज का जो है एनिमेशन दे देंगे। उसके बाद जो है आपको हैंड फ्री एनिमेशन देना है। तो यहाँ पर चौबी वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसे जो स्लाइड करके आपको बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच ले आना है। तो हमारा जो है दो एनिमेशन जो है तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि इस तरह से जो स्पिन करके जो है स्क्रीन के बीच वो बीच एकदम जो है आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे ही स्क्रीन के बीच में आ जाता है फिर से आपको हैंड फ्री एनिमेशन पर क्लिक करना है, यानी चौबी वाले बटन पर क्लिक करना है और इसे जो है जूम का एनिमेशन दे देना है। तो जूम का एनिमेशन देने के बाद आपको इसे जो है इस तरह से डन कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमारा जूम का एनिमेशन भी जो है डन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि जैसे हमारी फोटो जो है जूम होती है उसके बाद आपको करना क्या, लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाना है। मीडियम जाने के बाद जो आपने सब्सक्राइब वाली बटन तैयार की थी पिकआर्ट से अगर आपको याद हो तो उस बटन को जो है ले आना है। उस बटन को लाने के बाद हमें जो है अपने
चैनल नेम के बिल्कुल नीचे रख देना है सब्सक्राइब बटन का ऊपर, तो उसे इस तरह से जो है रख देना है। उसके बाद जो है इसमें एक इन्फॉर्मेशन दे देना है पॉपअप का, तो पॉपअप का इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब वाली लेयर में आपको दे देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी इमेज का यूज़ कर रहा हूँ सारी इमेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बड़े आसानी से वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि इसके बाद आपको जहाँ पे आपने सब्सक्राइब बटन लगाए थे उसके थोड़ा सा पहले आपको जाना है लेयर पर जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको ये हैंड वाला PNG जो सेलेक्ट कर लेना है। इस PNG की लेंथ आपको 1 से 1.5 सेकंड तक रख देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसे अपने बिल्कुल सब्सक्राइब बटन के ऊपर इस तरह से जो है सेट कर देना है। इस तरह सेट करने के बाद आपको इसे इन एनिमेशन में जाना है। इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको स्लाइड अप का एनिमेशन दे देना है। तो दोस्तों स्लाइड अप का एनिमेशन देने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी लेयर थी उनका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें जो है ट्रिम कर देंगे। तो पहली वाली लेयर पर टैप करते हैं, ट्रिम में जाते हैं, उसका जो है राइट साइड वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे ट्रिम कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरी लेयर को भी जो है ट्रिम कर देते हैं। दोनों लेयर जो हमारी ट्रिम हो चुकी है, उसके बाद जो हमें पहले नंबर की लेयर को सिलेक्ट करना है और आउट एनिमेशन दे देना है। तो आउट एनिमेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो है इसमें फेड वाला एनिमेशन दे देना है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी लेयर थी जो सब्सक्राइब बटन वाली लेयर थी उसमें भी जाना है और आउट एनिमेशन में जाने के बाद इसे भी जो है फेड वाला एनिमेशन दे देना है। तो दोनों ही बटन पर आपको जो है दोनों ही लेयर पर जो है आपको फेड वाला एनिमेशन दे देना है। तो फेड वाला एनिमेशन हमने दे दिया, इसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरीके जो है बिल्कुल सेट हो चुका है। इसका दोस्तों आपको करना क्या है कि जैसे हमारी लेयर खत्म हुई थी वहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करना है और जो हम लोगों ने 3D एंगल वाली जो इमेज तैयार की थी, जो PNG इमेज तैयार की थी, इसे भी जो है ले लेना है। इसे लेने के बाद आपको करना क्या है कि इसे बिल्कुल अपने स्क्रीन के बीचों बीच रख देना है, बिल्कुल एकदम साइज जो है इसका सेट करके, ताकि जो है पूरा का पूरा जो है इमेज जो है स्क्रीन पे दिखाई दे। उसके बाद इन एनिमेशन में जाना है। इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको इसको जो है वाइप लेफ्ट का एनिमेशन दे देना है। तो इस लेयर में आपको वाइप लेफ्ट का एनिमेशन दे देना है। तो वाइप लेफ्ट का एनिमेशन देने के बाद आपको करना क्या है कि आपको हैंड फ्री एनिमेशन में जाना है, 24 वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद इसे स्लाइड करके जो है साइड पर ले आना है। तो इस तरीके से जो आपको बिल्कुल साइड पर ले आना है और ध्यान रखें कि जो ये इमेज है जो बिल्कुल बीचों बीच स्क्रीन पर रहे, कोई पार्ट जो इसका मिस ना हो। तो इस तरीके जो है बीच में हम इसको ले आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको फिर से 24 वाले बटन पर क्लिक करना है और इस बार इसे जो है जूम एनिमेशन दे देना है। तो 24 वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इसे जो है इस तरीके से जो खींच कर जो है जूम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो एरो दिख रहा है इसे जो है आप जब खींचेंगे तो जूम हो जाएगा। तो हमारी ये लेयर को जो है जूम कर देना है और उसके जो बिल्कुल बीचों बीच स्क्रीन पर इसी तरह से सेट कर देना है। तो यहाँ से डन कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बार प्ले करके जो है दिखा देता हूँ कि किस तरीके का जो एनिमेशन हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। तो जो है काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है ये लग रहा है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी जो है ये वाली दूसरी वाली लेयर जो है जूम हो रही है, तो जहाँ पर जूम हो रही है वहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको लेयर पर टैप करना है और लेयर पर टैप करने के बाद आपको जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद जो है ये वाली बेल वाली जो आपकी जो इमेज है इसे भी जो है इस बेल के ऊपर जो है रख देना है। सारी इमेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको बेल वाली बटन को रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा पहले ही आपको जाना है जहाँ पर आपने बेल वाली बटन रखी थी, उसके लेयर में जाके आपको ये PNG हैंड वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है। इसकी बिलेंथ आपको 1 से 1.5 सेकंड तक रख देनी है। उसके बाद जाना है आपको इन एनिमेशन में। इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको इसमें जो है स्लाइड अप का एनिमेशन दे देना है। तो इस तरीके जो हमारा स्लाइड अप का एनिमेशन आपको दे देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, जो बेल वाली आपकी लेयर थी इसमें जाना है आपको इन एनिमेशन में और इसमें जो है पॉप का एनिमेशन आपको इसमें भी दे देना है। पॉप का एनिमेशन देने के बाद आपको करना क्या है कि जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट था इस लेयर का उसे जो है हमको ट्रिम कर देना है। तो इस तरीके से आपको ट्रिम में जाना है और इस एक्स्ट्रा पार्ट को जो है ट्रिम कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि जो हमारा 3D PNG था, स्क्रीन शॉट था हमारा, उसको आपको जो है हैंड फ्री एनिमेशन इसमें देना है। तो 24 वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो इसे आप जूम आउट कर दीजिएगा। जूम आउट आपको तब तक करना है जब तक कि ये बिल्कुल स्क्रीन पर फिट हो ना जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके जो आपको जूम आउट कर देना है, बिल्कुल जब ये स्क्रीन पर फिट हो जाता है वहाँ पर जाकर इसे जो है आपको डन कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है इस तरह से स्क्रीन पर बिल्कुल से फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। और दोस्तों हमारे ये स्क्रीन पे जो है फिट हो चुका है, बट दोस्तों हमारी बेल है जो वो काफ़ी बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी समय आपको बेल पर जाना है और यहाँ पर भी जो है एनिमेशन आपको दे देना है और इसे भी जो है थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो इस तरीके से जो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा बेल आइकन इंट्रो जो है प्ले हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा जो है लुक एंड फील आ रहा है। इस तरह के 3D बेल आइकन इंट्रो अगर आप अपने चैनल पर लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसे जो है सिंपली सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले आइकन दबा दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन भी मिलता रहे हमारी हर एक वीडियो का।